केएल राहुल की एक और धीमी पारी। जी हाँ भाई, केएल राहुल का जो ट्रेडिशन है वो चलता आ रहा है लगातार धीमी पारी खेलने का, और इस मुकाबले में वो जारी रहा जब पंजाब के खिलाफ वो ओपनिंग करने आए। भाई पहली बॉल से लेकर 19वें ओवर तक ये खिलाड़ी खेला और रन कितने बने इस खिलाड़ी से, मात्र 74 रन। जी हाँ भाई, एक तरफ सारे बल्लेबाज थे जो थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल का जो फॉर्म है वो इतना खराब चल रहा है कि एक बैटिंग पिच पे भी जहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था बैटिंग करना, लेकिन एक तरफ रन बन रहे थे लेकिन उन्हें फिर भी इनके बल्ले से रन जो है बहुत धीमी गति से निकले और सारे गेंदबाजों के खिलाफ इनका स्ट्रगल जारी था। ये हरप्रीत बरार को ढंग से पिक नहीं कर पा रहे थे और शदीप सिंह को ढंग से पिक नहीं कर पा रहे थे और बाकी जो राहुल चाह रहे हैं उनको पिक नहीं कर पा रहे थे। तो भाई लगातार जो ना पिक करने का इनका सिलसिला था वो जारी रहा इस मैच में भी। भाई 74 रन बनाए, 8 चौके इन्होंने जड़े, साथ के साथ इन्होंने अपनी पारी में 1 छक्का जड़ा, लेकिन स्ट्रगल जिनका स्ट्राइक रेट था वो कितना रहा, महज 132 का। अगर आप बतौर ओपनर आप मैदान पर आते हो तो आपसे टीम उम्मीद करती है अगर आप 20 ओवर तक खेले तो भाई कम से कम 200 के आसपास टीम का स्कोर होना चाहिए और आपका खुद की कम से कम 90 के आसपास आपका खुद का स्कोर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केएल राहुल जो स्टैट पैडर का बड़ा टैग जो उनके ऊपर लगा हुआ है वो इस टाइम पे भी लगा हुआ है और शायद वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं उस स्टैट पैडर का टैग छुटाने की, क्योंकि भाई जो उनकी पारी निकल रही है बल्ले से वो लगातार धीमे, स्ट्राइक रेट बहुत ही ज़्यादा गिरता जा रहा है, बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। इस पूरे IPL 2023 के में बात करते हैं, उससे पहले 18 रन पे आउट हुए थे और उससे पहले भी जो उनका रनों का सूखा है वो कायम था। अभी क्विंटन डिकॉक जैसा एक टैलेंटेड बल्लेबाज जिसका फॉर्म भी शानदार चल रहा है वो बाहर बैठा हुआ है, हो सकता है कि अगले मुकाबलों में आपको क्विंटन डिकॉक देखने को मिले, लेकिन भाई एक तरफ काइल मेयर्स, दूसरी तरफ केएल राहुल। काइल मेयर जो हर एक बल्लेबाज को रख रख के छक्के मार रहा था, हमने देखा था फुल शॉट मार रहा था, उन्होंने एक बहुत ही तगड़ा कट मारा था जो उन्होंने कवर्स की तरफ गया था, और दूसरी तरफ केएल राहुल जो एक तरफ से टुक 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 लगे हुए थे सिंगल्स निकालने में, सिंगल्स निकालने की कोशिश में लगे हुए थे, और जो उनका एक मंत्र है कि स्ट्राइक रेट इज ओवर रेटेड, ये कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। भाई पहली पारी में बल्लेबाजी कर रहे हो, माना स्ट्राइक रेट इज ओवर रेटेड ये एक टर्म होता है, और जहां पर आप अगर दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रहे हैं जहां पर आपके सामने एक टारगेट है तो वहां पर आप अपने आप को थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से खेल सकते हैं, लेकिन पहली पारी में जहां पर आप खुद ओपनिंग करने आए हो, भाई सामने विकेट्स गिर रही है और थोड़ा बहुत आपको पार्टनरशिप जमानी है और साथ के साथ बड़ा टोटल भी अर्जित कर रहे हैं, आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हो आप, तो वहां थोड़ा सा स्ट्राइक रेट इज ओवर रेटेड वाला टर्म समझ नहीं आता। हम सब चाहेंगे भाई केएल राहुल का जो पुराना 2018-19 वाले जो केएल राहुल जो हम सब ने देखे हैं भाई ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले, जो 160-165 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते थे, लेकिन वो केएल राहुल कहीं ना कहीं छुपते हुए नजर आ रहे हैं। भाई फास्टेस्ट टू 4000 रन बन गए IPL में, लेकिन वो 4000 रन कितने टीम को जिताने में इफेक्टिव है ये सवाल उठता है केएल राहुल के साथ। आपको क्या लगता है भाई केएल राहुल को कितना टाइम लेगा फॉर्म में आने में और क्या ये 4000 रन टीम के लिए इफेक्टिव है या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।